वी हैव टू स्टार्ट एक्सरसाइज 9.2। इसमें क्या है, हमें पिक्टोग्राफ बनाना है। अभी तक हमने क्या करा था, हमारे पास पिक्टोग्राफ था, हमने उसको रीड करा था। अब हमें पिक्टोग्राफ बनाना है, देन आंसर करना है फॉलोइंग क्वेश्चंस को, ठीक है। सो हाउ टू डू दिस क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या है, कुछ विलेजेस है जिनके पास कुछ एनिमल्स है, ठीक है। जैसे विलेज ए के पास 80, विलेज बी 120, सी डी, ठीक है, फाइव विलेज है, ठीक है। हमें क्या इसका पिक्टोग्राफ बनाना है। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है आपको, पिक्टोग्राफ बनाने के लिए इस साइन का यूज करना है, एंड दिस साइन इज इक्वल टू 10 एनिमल्स। ये कितने एनिमल्स के बराबर है, 10 एनिमल्स के बराबर है। सो आपको क्या है, जैसे विलेज ए, विलेज ए में हमें पता है कितने एनिमल्स है, 80 एनिमल्स है। सो वी ड्रॉ हियर 8 सच सिंबल्स, हमें इधर ऐसे 8 सच सिंबल्स बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली 120 एनिमल्स इन बी, सो वी हैव टू ड्रॉ 12 सच सिंबल्स। इन सी वी हैव 90, वी ड्रॉ हियर 9, डी 44 एंड ई 60, सो वी हैव टू ड्रॉ हियर 6 सिंबल्स लाइक दैट, बिकॉज़ ईच सिंबल कंटेन 10 एनिमल्स, ईच सिंबल इज इक्वल टू 10 एनिमल्स, दैट्स व्हाई वी हैव टू ड्रॉ ओनली फिगर्स लाइक दैट। हमें इसी टाइप से फिगर्स बनाना है, ठीक है। अब नाउ वी हैव टू आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस। फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट एनिमल्स ऑफ विलेज ई, विलेज ई को कितने एनिमल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने सिंबल्स रिक्वायर्ड है। सो वी हैव टू आंसर विलेज ई 1 2 3 4 5 6, हियर इज 6 सिंबल्स, सो वी राइट हियर 6 सिंबल्स। Okay, now see B. B1, which village has the maximum number of animals? Which village has maximum number of animals? Obvious, village B, 120 animal. So right here, village B, that is 120 animals. 120 animals, the maximum number of animals in a particular village. Now the C one. In this question, we have asked which village has more animal, village A or village C. Village A or village C में किसके पास सबसे ज़्यादा animals हैं? C. Village A have only 80 and village C is 90. So obviously village C के पास ज़्यादा animals हैं. So we write here answer village C. Village C has more animals than village A. Yes, village C has more animals than village A. Okay. ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, यस, वी हैव आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस। सो कैसे बनाना है, समझ में आ गया आपको? आपको सिर्फ क्या करना है, जो सिंबल आपके बुक में दिया हुआ है आपको उसी सिंबल का यूज करते हुए, एंड सब कुछ स्केल भी दिया रहेगा उसको, वो बता देगा आपको कितने एनिमल्स लेना है। सपोज दैट आपको कोई सिंबल नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, अपनी मर्जी से कोई भी एक सिंबल ले सकते हो, एक्स वाई जेड आपकी मर्जी, जो हो सर्कल, ठीक है, स्टार, व्हाट एवर यू वांट, बॉक्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ओके, कोई भी आप शेप ले सकते हो, ट्रायंगल, देन आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करना है कि मुझे कितने एनिमल को रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे हमने 10 दिया था क्योंकि बुक में दिया था, अगर सपोज यहाँ पे 10 नहीं दिया होता तो आप यहाँ पर कोई भी एक कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो आप चाहते, तो दैट सिंबल कंटेन 5 एनिमल्स, ओके, आप अपनी मर्जी से भी चूज कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो, बट हियर वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन, सो वी हैव टू राइट एंड यूज दिस सिंबल। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन अ डेटा ऑफ अ स्कूल, हमें क्या एक स्कूल का डेटा दे रखा है जिसमें ईयर वाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, जैसे 96 में थे 1996 में थे 400 स्टूडेंट स्कूल में,
1998 में 535, 2000 में 472, 2002 में 600 एंड 2004 में 623 स्टूडेंट्स है। हमें करना है इस डेटा को पिक्टोग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। सो अवर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ ऑफ स्टूडेंट यूजिंग वन सिंबल। हमें क्या इस सिंबल का यूज करना है, दैट रिप्रेजेंट 100 स्टूडेंट, जो कि वन सिंबल रिप्रेजेंट 100 स्टूडेंट्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, देन वी हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो हाउ टू रिप्रेजेंट, इन 1996 देयर आर 400 स्टूडेंट्स, सो वी राइट, वी ड्रॉ हियर फॉर such symbols, okay, 1, 2, 3, and 4, these are the four such symbols, okay, to represent 400 students, जो कि कितने बच्चों को represent कर रहा है, 400 students को। Now in the 1998, अब 98 में कितने 535 students, so first we have to draw 5 complete figure because we have 500. Then we have to draw one incomplete symbol that represent 35. So how? See here. 1, 2, 3, 4, 5. Now these are 500 students. Now we have to represent 35. So we have to draw one incomplete figure like that. Okay. हमें क्या करना है, एक incomplete figure बनाना है जो कि 35 को represent करे। अब इसमें ऐसा नहीं कि सर आपने यहाँ पे एक step से नहीं बनाया, ठीक है, तो अब वो आपके ऊपर depend है, आप incomplete बनाना आप कैसे भी बना सकते हो। Next 472. So first we have to draw 4 complete figure because a number is 400. Then draw one incomplete figure that represents 72. So this is our 400. Now we have to draw 72. So for 72, we just draw figure like that. Okay, we draw figure like that. Now we have to represent 600. So draw here 6 such symbol. आपको यहाँ पे यहाँ पे 6 कंप्लीट फिगर ड्रॉ करना है, ओके, सो दीज आर द 6 कंप्लीट फिगर। नाउ नाउ 623, 1, 2, 3, 4, 5 6. Now one is incomplete, so incomplete ma, okay, this is 623, yes, okay. So how to represent 35? We just remove two hands and one leg. To 72, we just remove one hand, okay, and in 23 we remove two leg and one hand to represent 23, okay. So 6 complete figure and 1 incomplete. You can't say this is a half figure. नहीं, हमें इसको half figure नहीं बोलना है, हम इसे क्या बोलेंगे, incomplete बोलेंगे, okay. Now our first question, how many symbols represent total number of students in the year 2002? 2002 को represent करने के लिए कितने symbol बनेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we have to write here 6 symbols to represent number of student in the year 2000, number of students in the year 2000. So 6 symbols to represent number of students in the year 2002. Now the B. In the B, we have to ask how many symbols represent total number of students for the year 1998. 1998 के लिए आपको कितने symbols बनाना पड़ेंगे? So 1, 2, 3, 4, 5. 5 complete and 1 incomplete. So we have to write here
फाइव सिंबल्स एंड वन इनकम्प्लीट सिंबल टू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट्स इन द ईयर 1998. ओके, दिस इज पार्ट ए ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ पार्ट बी इज होमवर्क टू यू. पार्ट बी क्या है? होमवर्क है. बिकॉज आई रीड द क्वेश्चन. Prepare another pictograph of the students using any other symbol. Each represent 50 students. Which pictograph do you find more informative? देखो, अब आपको क्या करना है? आपको एक और पिक्टोग्राफ बनाना है जिसमें आपको अपनी मर्जी से फिगर चूज करना है. ठीक है, आप चाहें तो इस फिगर को छोड़ के आप कोई सा भी सिंबल रिप्रेजेंट कर सकते हो. आप चाहे तो सर्कल ले ले, स्क्वायर ले ले, ठीक है, रेक्टेंगल ले ले, आप चाहे इनमें से कोई भी ले सकते हो. चूज योर सेल्फ. अपनी ओर से भी कोई दूसरा फिगर भी ले सकते हो जिसमें आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, ये 50 स्टूडेंट्स के बराबर है. एंड फिर आपको बताना है विच पिक्टोग्राफ इज मोर इन्फॉर्मेटिव, कौन सा ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा. तो ऑब्वियस है, जितनी छोटी स्केल होगी जितना ज्यादा वो इन्फॉर्मेटिव बनेगा. सो फिगर बी जो होगा, जो आप जो बनाओगे, ठीक है, जिसमें आप 50 स्टूडेंट्स लोगे, वो ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा. बिकॉज वहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ फिगर्स ज्यादा बनेंगे. नंबर ऑफ फिगर्स ज्यादा बनेंगे तो क्लियरिटी ऑफ स्टूडेंट्स वो ज्यादा अच्छे से रहेगी. ठीक है, इसलिए आपका जो आंसर रहेगा फाइनल वो क्या रहेगा, फिगर पार्ट बी. पार्ट बी गिव्स मोर इंफॉर्मेशन या यू कैन राइट पार्ट डी हैव मोर इंफॉर्मेटिव. ठीक है, आप इसे स्टेटमेंट को लिख सकते हैं. सो इसका पार्ट बी जो है वो होमवर्क है. पार्ट ए मैंने करा दिया क्वेश्चन नंबर 2 का. ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट. थैंक यू.